हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की हमारी न्यू रेसिपी है मसाला खस्ता काजू। फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और खाने में भी बहुत ही टेस्टी हैं। और ये होली के लिए एक स्पेशल स्नैक है। ये होली ही नहीं, आप किसी भी ओकेशन पर बना सकते हैं, बनाने में भी बहुत ईजी हैं। चलते हैं इसे बनाने के प्रोसेस में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक बड़ी कटोरी मैदा ली है। मैदा को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि उसमें कोई भी लम्स ना आए। देखिए, जब हमारा मैदा छन जाए तो हम उसमें एक छोटी वाली कटोरी जो होती है हमारी नॉर्मल, उससे हम मेजर करके सूजी ऐड कर रहे हैं। उसे भी हम अच्छे से छान लेंगे छननी से। देखिए, अब जो हमने सूजी और मैदा तैयार करता है उसे एक बार हाथ से मिला लेंगे। यहाँ पे हमने एक छोटा चम्मच नमक ऐड करा है। आप नमक हमेशा अपने स्वाद अनुसार ही ऐड करें। और नमक को हमारे बनाए गए मिक्सचर में अच्छे से मिला दें अच्छे से। फ्रेंड्स, देखिए, अब हम इसमें एक छोटी कटोरी रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का प्रयोग करा है। आप एक हाथ से मिलाते रहें और एक हाथ से डालते रहें मोमन बनाने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए, हम इसे अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो जितना मिलाएंगे उतने ही हमारा मोमन रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इसे हाथ से बाइंड करके देखेंगे, तब देखिए हमारा मोमन रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे अब नॉर्मल पानी लेकर अपने आटे को सॉफ्ट गूंद लिया है। देखिए, इतना ही सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। अब हम इसे एक ऐसे कंटेनर में रख देंगे। फ्रेंड्स, देखिए, अब इसे हम आधे घंटा रेस्ट के लिए रख देंगे सूजी को फूलने के लिए। फ्रेंड्स, देखिए, हम इसे इतना ही मोटा बेलेंगे, आप इसे पतला इसे ना करें। अब हमने इसे साफ ढक्कन के प्रयोग से ऐसे ऐसे कट करा है ताकि ये काजुओं की शेप में आ जाए। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से वीडियो में दिखाया है आप भी उसी तरह काजुओं को कट कर लें। फ्रेंड्स, देखिए, हमारे सारे काजू यहाँ पर कट के रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। पहले हम अपने तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप अपने काजुओं को लो आंच पर ही फ्राई करें, इससे ये बाहर से ही नहीं अंदर से भी क्रिस्पी हो सकें। और इसे बिल्कुल सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें गर्म तेल में। फ्रेंड्स, देखिए, इसे अच्छे से फ्राई करने में यहाँ पे हमें 15 से 20 मिनट लगे हैं। फ्रेंड्स, देखिए, अब हमारे सारे काजू अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स, गरम हल्के से जब ये गरम हो तो हम यहाँ पे मैगी मसाला और नमक स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, वैसे तो मैगी मसाला में सॉल्ट ऑलरेडी होता है, लेकिन अगर आप सॉल्ट थोड़ा सा तेज ना खाते हो तो आप इसमें सॉल्ट ना ऐड करें, लेकिन हमने यहाँ पर सॉल्ट ऐड करा है। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे हमने दूसरा पैकेट मैगी मसाला डाला है क्योंकि हमारे काजू काफ़ी सारे हैं। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे हमने चाट मसाला भी यूज़ करा है। फ्रेंड्स, चटपटे काजू हम यहाँ पर बना रहे हैं, चटपटे मसाला काजू। अगर आप इसमें चाट मसाला स्किप भी करना चाहते हो तो आप स्किप कर सकते हैं आराम से, लेकिन यहाँ पर हमने एक चम्मच चाट मसाला ऐड करा है। फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे हमने बस चाट मसाला और मैगी मसाला ही ऐड करा है क्योंकि चाट मसाले में भी सॉल्ट होता है, मैगी मसाले में भी ऑलरेडी सॉल्ट एडेड होता है। फ्रेंड्स, देखिए, और जब हमने काजू का आटा गूंदा था उसमें भी हमने सॉल्ट डाला है, इसलिए हमने ऊपर से सॉल्ट नहीं ऐड करा है। फ्रेंड्स, देखिए, हमारे मसाला टेस्टी स्पाइसी काजू रेडी हो चुके हैं। ये आपका एक अच्छा इवनिंग स्नैक है। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर ट्राई करें, चाय के साथ तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये एक ऐसा स्नैक है जो आप एक बार बना के स्टोर कर सकते हैं और ये काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होगा अगर आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे काजू पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।